हाय एवरीवन, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में बार बार कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, जहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि x, 0 पर ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू 6e-3x होगा और इस क्वेश्चन का 0y कंडीशन पर 8e-3y का वैल्यू हम लोगों को पुट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोगों को जो लैपलासेस सॉल्यूशन है ना, लैपलासेस सॉल्यूशन आप लोगों को टू डायमेंशन पर भी निकाल पड़ेगा और थ्री डायमेंशन पर भी निकालना पड़ेगा। लैप्लासेस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों को टू डायमेंशन पर भी निकालना पड़ेगा और थ्री डायमेंशन पर भी निकालना पड़ेगा। टू डायमेंशन पर दो कोऑर्डिनेट्स को, है ना, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में, है ना। और थ्री डायमेंशन पर आप लोगों को कार्टेशियन पर भी पड़ेंगे, सिलिंड्रिकल पर भी पड़ेंगे, है ना, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और लास्ट में आप लोगों का जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, या इन दो डायमेंशन पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो लैप्लासेस सॉल्यूशन है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जो वेव इक्वेशन है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को आप लोगों को डिराइव करना पड़ेगा एंड उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, है ना, उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि डिफ्यूजन इक्वेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड डायमेंशनल हीट इक्वेशन भी हम लोग कह सकते हैं। डिफ्यूजन इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा पहले और उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग को इसका नोट चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बता दो, है ना, विद इन 2 डेज या 3 डेज में आप लोग को इसका आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।